के बाद माननीय कंसीराम साहब आए। माननीय कंसीराम साहब ने समाज को एक करने के लिए रात दिन मेहनत की और रात दिन मेहनत करके आप लोगों को सत्ता में स्थापित करने का काम किया। लेकिन साथियों, आज के दौर में आपको पहचानना पड़ेगा कि माननीय कंसीराम साहब के मूवमेंट को अगर कोई लेकर चल रहा है और माननीय कंसीराम साहब को अगर कोई जिंदा रखता है तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये आपको जानना होगा, ये आपको पहचानना होगा। और जिस दिन आप लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ में भारत देश में प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बना दोगे तो जिन लोगों की सरकार होती है उन पर कभी शोषण नहीं होता है। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। कि हमारा कोई मूल्य नहीं लगा सकता है, हमें कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि हमें नेता टिकाऊ चाहिए, नेता बिकाऊ नहीं चाहिए। हमें नेता टिकाऊ चाहिए, हमें नेता बिकाऊ नहीं चाहिए। आपने पिछले 5-6-7 साल की जहां पर भी बहुजनों पर शोषण होता है, सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी निकल कर आती है। ये साथी जो आप लोगों के बीच में अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से आकर बैठे हैं, कोई से आया है, कोई गाजियाबाद से आया है, तो कोई आपके बुलंदशहर का साथी है, ये निस्वार्थ भाव से इस सीट पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, जिन लोगों का यहां वर्चस्व खत्म होने वाला है, जिन लोगों को लग रहा है कि उनका वर्चस्व खतरे में है, पूरी तरह से आजाद समाज पार्टी के माध्यम से, भीम आर्मी के माध्यम से उन लोगों का सुपड़ा साफ करने का काम, खासतौर से बुलंदशहर सदर सीट पर करने का काम करेंगे। अभी मेरे से पहले एक वक्ता बोल कर गए हैं, शायद आप सभी साथी फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से उन्हें जानते हैं, हिमांशु वाल्मीकि, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप सभी जानते हैं और आप सभी देखते भी हैं कि अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर कहीं पर भी किसी बहुजन माता पर, किसी बहुजन भाई पर या किसी बहुजन बेटी पर कोई शोषण अत्याचार की बात आती है और सबसे पहले कोई फौलादी सीना अगर लेकर खड़ा होता है तो वो हिमांशु वाल्मीकि खड़ा होता है। साथी, ऐसे ऐसे साथी चंद्रशेखर आजाद ने पैदा कर दिए है। चंद्रशेखर आजाद ने अपने जैसे नौजवान साथी, अपने जैसे चंद्रशेखर इस देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों पैदा कर दिए हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता, जब चंद्रशेखर आजाद अपने जैसे नेता पैदा कर सकता है, जब चंद्रशेखर आजाद अपने जैसे चंद्रशेखर पूरे देश के अंदर पैदा कर सकता है, तो जो हमारे राष्ट्रीय नेता है उन्होंने अपने बराबर का एक भी नेता तैयार क्यों नहीं किया है? उन्होंने अपने बराबर का एक भी नेता तैयार क्यों नहीं किया है? उस कमान को नहीं संभाल सकते हैं क्या? इनके अंदर वो जज्बा नहीं है क्या? इनके अंदर वो खून नहीं है जो खून इस देश की सत्ता को संभाल सके? जो नौजवान इस देश सारे नेताओं ने अपने बराबर का नेता तैयार नहीं किया है, सड़कों पर अड़ जाता है, वो कहता है कि स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं किया जाएगा, अगर माताओं बहनों पर अत्याचार होगा तो हमें राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमें राजनीतिक अमर्थ चखने का कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा निजी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो लोग आज सड़कों पर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आज इस प्रदेश के अंदर बैठा मुख्यमंत्री इस बहुजन समाज का होता तो शायद हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ गलत करने पर, हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ गलत करने पर 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया जाता अगर मुख्यमंत्री आपने देखा, 24 घंटे के अंदर आप लोगों को रिजल्ट मिलता। लेकिन साथियों, बदकिस्मती यही है कि बहुजन समाज, इस बहुजन समाज से लीडर अच्छे अच्छे निकल कर आते हैं। बाबा साहब के बाद माननीय कंसीराम साहब आए। माननीय कंसीराम साहब ने समाज को एक करने के लिए रात दिन मेहनत की और रात दिन मेहनत करके आप लोगों को सत्ता में स्थापित करने का काम किया। लेकिन साथियों, आज के दौर में आपको पहचानना पड़ेगा कि माननीय कंसीराम साहब के मूवमेंट को अगर कोई लेकर चल रहा है और माननीय कंसीराम साहब को अगर कोई
कोई जिंदा रखता है तो उसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये आपको जानना होगा, ये आपको पहचानना होगा। और जिस दिन आप लोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ में भारत देश में प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बना दोगे, तो जिन लोगों की सरकार होती है उन पर कभी शोषण नहीं होता है। जिन लोगों की सरकार होती है उन पर कभी शोषण नहीं होता है। ये साथी रात दिन आपके बीच में मेहनत कर रहे हैं, आप सभी साथियों से उम्मीद करते हैं, ये आपसे बहुत लगाव और प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं कि बुलंदशहर सदर की जो जनता है, जो मेरा बहुजन समाज वहां पर, उनके बीच में जाए, उन्हें बताए कि किस प्रकार से पूरे देश के अंदर माहौल बनाया गया है। एक बात आज बुलंदशहर सदर के लोगों ने साबित कर दिया है। बुलंदशहर सदर में एक रैली हुई और वो भी सूबे के मुख्यमंत्री की रैली हुई। सूबे के मुख्यमंत्री की रैली में मात्र 700 से 800 लोग पहुंचने पर बुलंदशहर की जनता ने दिखा दिया है कि बुलंदशहर की जनता ऐसी सरकारों को गिराने का काम करेगी जो हमारी माताओं बहनों की इज्जत पर नजर रखते हैं, जो हमारे समाज पर शोषण करवाते हैं, जो हमारे समाज पर हो रहे शोषण के खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग बहुजन समाज के उस साथी कर रहा है। रिक्वेस्ट करता हूं कि सम्मानित साथियों 25 आप ही के शहर बुलंदशहर के अंदर एक साथी जिसने 21 जुलाई 2015 में भीम आर्मी बनाकर तैयार की और भीम आर्मी में ऐसे क्रांतिकारी योद्धा पैदा कर दिए कि समाज पर अगर शोषण अत्याचार की बात होती है तो सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। वो साथी वो बहुजन समाज का मसीहा, वो बहुजन समाज का मसीहा जिसे आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, वो साथी आपके शहर बुलंदशहर में ठीक समय 11 बजे 25 तारीख में नुमाइश ग्राउंड पहुंच रहा है। दोनों हाथ खड़े करके बताएं कि उस अपने बेटे के मान सम्मान के लिए, उसके बलिदान के लिए आप लोग नुमाइश ग्राउंड पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। सिर्फ दो शब्द कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। दो शब्द कहकर सभी साथी स्वतंत्र है, पढ़े तय कर सकते हैं, लेकिन एक बार पहले आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के ओजस्वी विचारों को सुनने का काम करें, तब जाकर आप लोग आगे का डिसीजन ले। लेकिन सबसे पहले आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के विचारों को सुने, उनके विचारों को सुनकर फैसला ले। जय भीम आर्मी, जय श्री मैया जिंदाबाद, जय श्री मैया जिंदाबाद।